आज के संबोधन में हम खुलासा करेंगे किस तरह रानीबाग थाने के एक्स एच ओ पंगना लावत के दिशा निर्देश पर रानीबाग पुलिस ने आतंकियों की तरह काम किया। एक्सट्रोजन उगाई के लिए उन्होंने जनता को परेशान किया और सारे नियम कायदे ताक पर रख दिए। जैसे उदाहरण है आपके सामने FIR नंबर 124/18 PS रानीबाग, जिसमें मात्र 200 रुपए की उगाई के लिए एक हाई प्रोफाइल फैमिली का स्कूटर उठा लिया गया उसके घर के नीचे से चौकीदार के विरोध करने पर भी, और थाने में रानीबाग लाके 40 पुलिसकर्मियों की मौजूदगी के अंदर उनके साथ मार पिटाई गई, गंभीर चोटें पहुंचाई गई और उनकी महिलाओं के साथ भी अभद्र व्यवहार किया गया और उनका हाथ पकड़ के खींचा गया। जिस एलिगेशन के बाद उन्होंने 100 नंबर कॉल करी बचाव के लिए, तो उन्हीं के ऊपर वर्दी फाड़ने के और मार पिटाई के और झूठे आरोप लगा के दुनिया भर के उनके ऊपर मुकदमे अलग अलग तरीके से उन्होंने दर्ज करने के लिए कंप्लेंटें फाइल कर दी। इसी तरीके से दूसरा किस्सा हमारे सामने आया जब इसी SHO प्रवीण अलावत के साथी कांस्टेबल अजय, कांस्टेबल प्रवीण यादव और अन्य पुलिसकर्मियों ने 6/18 को APJ स्कूल के पास एक टू व्हीलर को, एक मोटरसाइकिल चलाने वाले व्यक्ति को, मोटरसाइकिल को अपनी गाड़ी से उड़ा दिया और उड़ाने के बाद जब वो बेहोश हो गया तो उसको बचाने की बजाय, नजदीक हॉस्पिटल बचाने की बजाय अपनी ड्यूटी को छोड़ते हुए अपने अधिकारों का दुरुपयोग किया और अपनी पुलिसकर्मी में जो थे वो भाग गए जंगल में और उन्होंने ऊपर के अपने कपड़े उतार दिए। इसके बाद पुलिस जनता उनके पीछे भागी और लोगों ने उनकी CCTV फुटेज बनाई तो वो दोष देने लगे कि हम पुलिसकर्मी हैं और हमारी SHO से बात हुई है और उसका नाम आज तक इस FIR में जोड़ा नहीं गया, जिस संदर्भ में FIR 184/18 PS रानीबाग में दर्ज हुई, जो आज तक उनका नाम नहीं जोड़ा गया और ये बड़ा गंभीर विषय है। जबकि सभी तमाम पुलिस अधिकारियों को विजिलेंस NWD के अधिकारियों को इसकी जानकारी दे दी गई है, व्हाट्सएप द्वारा दी गई है, ACP सरस्वती और संजीव कुमार जी के ऑफिस में भी इसकी सबूत की एविडेंस की CD बना के वहां जमा करा दी गई है। ASI सौम्य विजिलेंस अधिकारी जांच कर रहे हैं लेकिन अभी तक इनका नाम FIR में जोड़ा नहीं गया है और संदेह स्थिति के अंदर ये थानी रोज जमा करा के छुड़वा भी दी गई है माननीय कोर्ट के आदेश से। और आपके सामने का जनरल तीसरा हादसा की 24/18 को इन्हीं पुलिसकर्मियों ने अवैध वसूली के लिए एक मकान के ऊपर डकैती करी दिन दहाड़े और 6 पुलिसकर्मी मकान में घुस गए और जब इनका बोल खुल गई और वहां जाकर उन्होंने महिलाओं के साथ अभद्र मार पिटाई करी, व्यवहार किया और गाली गलौज करी और उन्होंने इस बात की जब मोबाइल के अंदर रिकॉर्डिंग कर ली तो इन्होंने क्या करते हैं और सिंह के खिलाफ 100 नंबर की 16 कॉलें हो गई और इनके तमाम पुलिस अधिकारियों को SMS के द्वारा और टेलीफोनिक कॉल के द्वारा जैसी सूचना दी गई तो इनके विक्टिम के परिवार के खिलाफ ही मुकदमा दर्ज कर दिए गए सरकारी वर्दी फाड़ने के और अपर अभद्र व्यवहार के जो कि पूरी तरह से झूठे थे। इसके लिए पुलिस ने कोई भी इंक्वायरी इनिशिएट नहीं करी अग्रिम स्तर के ऊपर, ना ही फिंगरप्रिंट लिए, ना ही कोई CCTV फुटेज ली, ना ही कोई इनका पड़ोसियों के बयान दर्ज करे और विक्टिम परिवार ने जब कोर्ट का मान्य दरवाजा खटखटाया और पंजाब किसी अखबार में यह मामला प्रकाशित हुआ तब सीनियर अधिकारियों की नींद खुली और विजिलेंस की जांच इसके अंदर वो हुई और उसकी भी जांच की जो रिपोर्ट है वो आज तक जो है माननीय न्यायालय 101 नंबर होनी कोर्ट एकता गावाजी कोर्ट से छुपाया जा रहा है और इस तरह का ही अपराध जो है रानीबाग में कार्यरत है, सरकारी जमीनों पर कब्जा किया जा रहा है लेकिन कोई कार्रवाई इनके खिलाफ नहीं की जा रही। और इसी के साथ में अगला खुलासा आपको अपनी अगले प्रसारण में करूंगा। जय हिंद। जय चुप कर वैगनर आपकी खड़ी है बाहर हाथी है यार भाई, एक मिनट हिसाब से बात कर लो, सब कुछ है, हमारे सारे स्टाफ पहुंच गए और थाने आ जाओ, थाने जा रहे हैं। वीडियो ऑन कर, वीडियो ऑन कर, वीडियो ऑन कर, वहीं चलेंगे, वहीं चलेंगे, वीडियो ऑन कर, थाने चलो, थाने नहीं, वहीं बाहर वाले जिसको आपने उड़ाया, जिसको आपने उड़ाया उसको थाने ले, पुलिस वाले को ओ हॉस्पिटल ले चलो। स्टाफ मौके पे गए हॉस्पिटल पहुंच यार, वहां SHO साहब से बात कर ली, हो गया, गलती नहीं होती किसी से। ए भाई चलो ना वहां पे, चलो तो सही है, चलो तो सही है, चलो चलो एक बार हॉस्पिटल बात करवा देते हैं। ना ना